कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भगवत पुराण वगैरह हैं ये कम बुद्धि वाले लोगों के लिए हैं। ये जो किस्से कहानियां सब पुराणों में लिखी हुई हैं ये जिनकी बुद्धि कम होती है ना उनको समझाने के लिए लिख दिया। हमारी बुद्धि ज़्यादा है तो हम तो वेद पढ़ेंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कम बुद्धि वालों के लिए है? कहीं तो लिखा होगा, किसने डिसाइड किया, कैसे पता चला कि कौन सी चीज़ कम बुद्धि वालों के लिए है, कौन सी ज़्यादा बुद्धि वालों के लिए है? अगर आपको उनकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी बुद्धि कम हो इसलिए आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही। ये भी तो संभव है कि आपकी बुद्धि में वो स्टोरी घुस नहीं रही इसलिए आपकी बुद्धि कम है। और इस बात का प्रमाण भी है। प्रमाण ये है कि हमारे जितने भी पिछले आचार्य हैं, रामानुजाचार्य है, माध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीधर गोस्वामी हैं, जितने भी बड़े बड़े आचार्य रहे हैं उन सब ने भागवतम को एक्सेप्ट किया है, भागवतम के ऊपर टीका लिखा है। श्रीधर गोस्वामी का बहुत फेमस टीका है भागवतम के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को अमला पुराण बोला है, मतलब स्पॉटलेस एकदम परफेक्ट पुराण उन्होंने जो है बोला है। तो इतने सारे बड़े बड़े विद्वान पंडित जो जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली हुई है, जो इतने बड़े सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिनके सामने पूरे भारत में कोई टिक नहीं पाया, जिनके पांडित्य के सामने, अगर वो भागवतम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं बोला कि भागवतम जो है कम बुद्धि वालों के लिए। आप बोल रहे हैं, अब आप अपना अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी बुद्धि कम है। तीसरी बात, जिसने पुराण लिखे हैं व्यास देव जी, एक बार उनसे तो पूछ लो उनका क्या कहना है। व्यास देव जी खुद जो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है उसमें अपनी पिछली पूरी स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने सारे दास को लिखा, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, सारे ग्रंथ लिख डाले, तब भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। एकदम वो फीलिंग आती है ना कंप्लीटनेस वाली। जो लोग क्रिएटिव होते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, कई बार जो है जैसे व्यास देव जी से बुक लिख रहे हैं, तो क्रिएटिव काम करने के बाद जो करते हैं उनको पता होता है कि दिस इज माई बेस्ट, ये मेरा बेस्ट हो गया, मुझे मजा आ गया। तो वो जो फीलिंग है कंप्लीटनेस वाली, वो फीलिंग जो है व्यासदेव के अंदर नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मतलब इतना महान काम करने के बावजूद वो सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं कर रहे थे। अपने गुरु के पास जाते हैं, नारद मुनि जी के पास, तब नारद मुनि उनको बताते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। वो बताते हैं जो परम सत्य है, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको तुमने बाकी सब देवी देवताओं के साथ मिक्स कर दिया, सबकी तारीफ करी, जैसे सबकी करी ऐसे श्री कृष्ण की भी कर दी, तो ये तुम्हारी इसलिए तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब एक काम करो, एक और पुराण रखो, और जितने भी तुमने पिछले सारे ग्रंथ लिखे हैं इन सब का जो एसेंस है, इनका सबका जो सारांश है, इन सब का जो रिजल्ट है, परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनको ग्लोरीफाई करो, उनका महिमा मंडल करो। तब जो है व्यासदेव जी ने ये आखिरी जो है भागवतम पुराण को लिखा। अच्छा, भागवत पुराण का ही पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा ही जो वर्ष है उसमें व्यासदेव जी खुद इस बात को बोल रहे हैं कि ये जो पुराण है ये दोनों के लिए है, मतलब जो ज्ञानी है, जो विद्वान लोग हैं, और जो रसिक महात्मा संत हैं, सिंपल हार्टेड, ये पुराण जो है वो दोनों के लिए है। तो व्यासदेव जी ने जो पुराण लिखा है अपनी मोस्ट मैच्योर स्टेज में लिखा है। जैसे कहते हैं ना, कोई बिजनेसमैन है जिसने 10-15 अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस चले, कम चले, ज़्यादा चले, उसको बहुत 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, अपने पूरे एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके सारे बिजनेसेस जो उसने अभी तक करें उससे सीख कर फाइनली वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसका इतना एक्सपीरियंस है। इसी तरह व्यासदेव जी ने सारे वेदा लिखने के बाद, सारे अलग अलग 17 पुराण लिखने के बाद, दुनिया भर की किताबें लिखने के बाद, जो उनका फाइनल अंडरस्टैंडिंग थी, कंक्लूजन था, वो उन्होंने जो है फिर भागवतम में लिखा। भागवतम में लिखने के बाद उसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। भागवतम लिखने के बाद उन्होंने अपनी कलम जो है वो साइड में रख दी, बिकॉज ही वाज सो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, उनको लगा अब और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भागवतम लिख दी है ये एकदम कम्प्लीट है, इसके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात वो खुद ही सेकेंड वर्स में बोलते हैं, 112 फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का जो सेकेंड वर्स है उसमें बोलते हैं कि जो भागवतम है ये कम्प्लीट है, इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाने के लिए केवल जो श्रीमद् भागवतम है वो अपने आप में एक कंप्लीट पूर्ण जो है वो ग्रंथ है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि हम तो सिर्फ वेदास मानते हैं, वेद और पुराणों में जो वेद हैं वो ऊपर हैं, ठीक है, आप सिर्फ वेद मानिए, मैं आपको वेदों का रेफरेंस देता हूँ। अथर्ववेद में 11:7-24 रेफरेंस है, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि चारों वेदों के साथ साथ जो पुराण हैं वो भी स्वयं भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, वो भी अपुरुष हैं, उनको भी बराबर का दर्जा दिया गया है। तो आप वेदों की बात मानते हैं तो ये बात मानिए फिर, है ना। इसी के साथ आप देखिए जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 7:1-4 रेफरेंस है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि जो चार वेद हैं उसके अलावा एक पंचम वेद भी है, जो जितने भी हमारे पुराण हैं उनको पंचम वेद माना जाए, ये साफ साफ लिखा है छांदोग्य उपनिषद 7:1-4। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप अगर वेदों को सच में मानते हैं तो आपको ये बात भी तो माननी चाहिए। अगर आप कहें कि नहीं नहीं हम ये वर्ष नहीं मानेंगे, तो मतलब आप वेदों में भी सिर्फ वही मानेंगे जो आपको मानना चाहते हैं, मतलब वेदों की जिन वर्सेस को मान के आपकी अपनी फिलॉसफी फिट बैठती है आप वो मानेंगे, सारे नहीं मानेंगे।
ऐसे ही लोगों के लिए स्कंद पुराण में एक बड़ा अच्छा रेफरेंस आता है। उसमें लिखते हैं कि जो लोग पुराणों की निंदा करते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि पुराण कम बुद्धि के हैं, ठीक है, और वेद ज़्यादा बुद्धि के हैं, जो पुराणों की निंदा करते हैं, लिखा हुआ है वो प्रलय काल तक नरक में पड़े रहेंगे। इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट है। तो जो लोग पुराणों की निंदा करते हैं वो ध्यान से इस वर्ष को पढ़ लें दोबारा एक बार, और जिनको नहीं मानना है उनका कुछ नहीं हो सकता। आप गूगल करेंगे ना, आज के टाइम में भी एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, हाँ, उनका मानना है कि जो धरती है वो चपटी है, मतलब इतनी साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, सब कुछ है, उनको सब कुछ दिखा दो तब भी नहीं मानते। वो कहेंगे नहीं नहीं, जो अर्थ है वो चपटी है, वो उसी को मान के चलते हैं आज भी। तो जिन लोगों को मानना ही नहीं है कुछ, मतलब किसी भी तरह से नहीं मानना, उनका कुछ नहीं कर सकते। बाकी किसी के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है, कोई थोड़ा सा भी शास्त्रों के ऊपर विश्वास करता है, बिल्कुल क्लियरली जो है वेदों में भी मेंशन है, उपनिषद में मेंशन है, सारे पिछले आचार्यों ने एक्सेप्ट किया है, जिसने लिखे हैं पुराण वो खुद ही बता रहा है कि सबसे बेस्ट है, ये सबसे फेवरेट है मेरा, और ये सबसे अंतिम पुराण है, इसके बाद कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ जानने के बाद भी अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसका तो क्या कर सकते हैं। ये तो ऐसा है कि जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तुम उठा नहीं सकते। कोई सच में सोया तो उसको उठा दोगे, सोने का नाटक कर रहा है तो नहीं उठा पाओगे। इसलिए हम उनको दूर से हरे कृष्णा कर देंगे। अब उन्होंने नरक में जाने का पूरा मन मना ही लिया है तो कौन रोक सकता है। हरे कृष्णा।